हम EMRS एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9 है और आपको भी पता है कि एनालिटिकल एबिलिटी का जो वेटेज है वो 15 नंबर का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 10 नंबर का है। और अभी हम देखिए मिक्स क्वेश्चन नहीं करके अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस कारण से। ओके, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 20-20 नंबर के आपके दो मॉक टेस्ट कर रहे हैं। सॉरी, तो हम कह सकते हैं 40 नंबर के हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं। और हमने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट थ्योरी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अभी जो मैथ्स और रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, जिसे आप एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हो, वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका लेवल इस तरीके से डिसाइड किया गया है। ओके, देखिए अब हमने बहुत से टाइप कवर कर लिए रीजनिंग के, अब हमारा नेक्स्ट टाइप जो बन रहा है वो ये है। ठीक है, आपको क्या आपको क्या बताना है इसमें, कि रैप्यूटेशन से बनने वाले वर्ड को बताना है। ठीक है, कोई एक ही वर्ड होगा जो बन रहा होगा, अदर वर्ड नहीं बनेंगे। अब थोड़ा सा इसका नियम बता दूं मैं आपको। ओके, अब जैसे मान के चलते हैं 2T आया है यहाँ पे। ठीक है, टी दो बार आया है, तो आपका जो आंसर है उसमें भी टी दो बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि टी एक बार आया, मान के चलते हैं आर एक बार आया, ओके आर एक बार आया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जैसे रिटायर हो गया, दो बार आ रहा है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमारे पास तो एक ही आर है ना, तो आपको ये देखना है कि जितने वर्ड यहाँ पे आपको दिए हुए हैं आपको इन्हीं से बनाना है। ओके, तो देखते हैं, बात करते हैं रेप्यूटेशन की। तो ट्विटर देखें, ऑप्शन से करोगे जल्दी कर पाओगे, ट्विटर देखते हैं, टी यू टी, ओके टी यू टी। अब इसको गिन लिए तो इसको नहीं गिन रहे हैं, टी भी हो गया, यू भी हो गया, टी भी हो गया, आपका ओ आर ओ भी हो गया और आर भी हो गया, मतलब राइट वर्ड आपका यही बन रहा, फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल आगे बढ़ जाना है, आगे देखना ही नहीं है आपको। हाँ, यदि आपको भरोसा नहीं है अपने आप के ऊपर तो देख सकते हो, टाइम ही जाएगा अपना, तो आपको बस इतना करना है कि एक बार आप देख लेना, यदि आपको लग रहा है कन्फ्यूजन तो आप आगे भी देख सकते हो। जैसे मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ एक। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड वाले का। ओके, राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर ये है आपका, पॉन्डर का देखते हैं, पी ओ एन डी तो है ही नहीं, तो ये तो बन ही नहीं सकता। रिक्वायर देखते हैं, आर हो गया, आर ई क्यू क्यू भी नहीं है, ये भी नहीं बन सकता आपका। रिटायर देखते हैं, आर है, ई है, टी है, ओके आई है, एक और आर नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता, तो आपका क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर बन सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप में आप देखते हैं ओ पी ई तो है ही नहीं, मतलब ये नहीं बन सकता। ओ पी एम, ओ पी आई यू भी नहीं है, ये भी नहीं बन सकता आपका। ओपिनियन देखते हैं, ओ हो गया, पी हो गया, आई हो गया, एन हो गया, ओके ओपिनियन, एक और आई है, बिल्कुल है, एक और ओ ये है, ओके पर एक और एन की जरूरत है, तो ये है, मतलब राइट आंसर हो गया ये। नेशन देखते हैं, नेशन बनता है क्या, नहीं, एन ए टी तो है ही नहीं, तो बन ही नहीं सकता, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, आपका राइट आंसर ये होगा। तो इस प्रकार से आपको बताना होता है। ओके, तो डेडिकेट के लिए देखते हैं, डेडिकेट के लिए क्या होगा, डी है, ई है यहाँ पे, ओके सी है, आई है, डी भी है, एक और ही है, बिल्कुल, तो ये वर्ड आपका बन गया डिसाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होता है। तो बाकी के देखोगे आप तो नहीं मिलेंगे। वैसे ही मेजरमेंट में देखते हैं, एस योर ए एस डबल ए डबल एस है, डबल एस ही नहीं, ये नहीं बन सकता आपका। मेटल, ओके मेंटल की बात हो रही है, एम एन एम ए नहीं है, एन टी ओके एल नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता आपका। मास्टर, एम ए एस, तो आप देख रहे हो कि एक ही कंडीशन आपकी बन रही है, सॉरी वन सेकेंड, मास्टर बन रहा है। ओके मास्टर यदि देखोगे आप तो बन रहा है मास्टर, यदि हम देखें एम ए एस टी ई और आर, तो ये राइट हो गया आपका। समिट, ठीक है समिट के देखते हैं, एस यू डबल एम आई, आई है ही नहीं, तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि सिर्फ एक ही बन रहा है। ओके, आई होप आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, तो आपको बताना है
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। एक और लास्ट का मैं बता देता हूँ, डेमोक्रेसी, एस है ही नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, माइक्रो, एम आई भी नहीं है ये भी नहीं हो सकता आपका, बस आपको इतना ही देखना है, इतना ही वर्ड देखना है जल्दी जल्दी, तभी आप कर सकते हो। ओके, आपके एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए हम ये भी देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, एम एम है, ए है, आर है, सी वाई है, मतलब राइट आंसर ये होगा आपका। ओके, इस तरीके से करना होता है हमें। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है आपको, सीरीज से रिलेटेड, सीरीज मतलब क्रम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ये आपका सेकंड टाइप हो गया आप कह सकते हो, शब्दों का तार्किक क्रम आपको जमाना है, तो आप बता सकते हो इसमें क्या आएगा सबसे पहले। ओके, तो देखिए, पौधा, बीज, फल और अंकुरण, सबसे पहले क्या होता है, फल देने लगता है सबसे पहले, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, अंकुरण किसका, बीज का होता है ना। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहली बात है शब्दों का सार्थक क्रम बनाना है आपको। ओके, तो शब्दों का सार्थक क्रम बनाना है तो इस प्रकार से आपको बनाना है कि हम देखते हैं सबसे पहले, यदि हम बात करते हैं ऑप्शन से, यदि आपको किसी में कंफ्यूजन होगा कि मान के चलिए बीज पहले आएगा क्योंकि फल से ही बीज निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि पहले बीज आ रहा होगा क्या, पहले फल आ रहा होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, मान के चलते हैं ये फर्स्ट में देखते हैं, थर्ड थर्ड ऑप्शन, फल तो पहले आ ही नहीं सकता, हमें इतना है कि पहले अंकुरण आ रहा है क्या पहले बीज आ रहा है, इतने में कन्फ्यूजन होगा आपका। तो देख लेते हैं, बीज आ रहा है, बीज के बाद क्या आना चाहिए था आपका, फल, बिल्कुल भी नहीं, पहले तो पौधा आता ना फिर फल होते, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। तो हम बोल सकते हैं कि आपका अंकुरण पहले आ रहा होगा, तो बिल्कुल अंकुरण, अंकुरण के बाद बीज हो ही नहीं सकता, अंकुरण के बाद बीज नहीं आते, बीज के बाद अंकुरण हो सकता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या वो कह रहा है, अंकुरण, उसके बाद आपका पौधा बन रहा है, पौधे के बाद फल, फल के बाद बीज, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर, यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या होता है। ओके, तो देखिए, रुई होता है, रुई से आपका धागा बनता है, धागा की बुनाई करते हो, बुनाई के बाद कपड़ा बनता है आपका, तो सॉरी, हम देख सकते हैं सेकंड, फोर्थ, उसके बाद आपका फर्स्ट आ रहा है, उसके बाद थर्ड आ रहा, मतलब ये राइट है। तो आप ऐसे देख सकते हो, देखिए ऑप्शन से ही करना है आपको, राइट आप ऑप्शन से निकाला करो। जैसे हम ऐसा करेंगे कि देखिए, फर्स्ट वाला देखेंगे किस में आ रहा है फर्स्ट, एक तो इसमें आ रहा है, इसमें और इसमें अलग अलग है, तो हम ये देखेंगे कि आपका बैठ कौन सकता है, तो क्या फोर्थ नंबर बैठ सकता है, धागा सीधे आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले तो रुई आएगी, तो हमारे ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचे ये दोनों, तो हम देख रहे हैं इसमें भी फोर्थ आया है, इसमें भी फोर्थ आया है, और उसके बाद आपको थर्ड दिख रहा है या फर्स्ट, दो में कन्फ्यूजन दिख रहा है, तो हम सीधे देख लेते हैं पहले थर्ड आएगा या पहले फर्स्ट आएगा, तो पहले बुनाई होगी। ओके, फिर आपका कपड़ा बनेगा या पहले कपड़ा आएगा फिर बुनाई होगी। ओके, तो देखिए पहले धागा आता है ना, धागे की बुनाई होती है, इस तरीके से धागे की बुनाई की जाती है, फिर कपड़ा बनता है आपका। ओके, तो हम बोल सकते हैं आपका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, किसान, बीज, भोजन, खेती, ठीक है। अब देखिए, अब ये दूसरे प्रकार से रिलेट हो रहा है, तो फर्स्ट में क्या आएगा, पहले देख लेते हैं हम जो ऑप्शन एलिमिनेशन से बताया मैंने, फर्स्ट आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे अलग अलग हैं, सारे अलग अलग हैं, इसका मतलब आसान है हमारे लिए, तो पहले हम बोल सकते हैं पहले किसान आ रहा होगा, फिर किसान क्या करता है, बीज लगाता है, ओके, जुताई करता है, उसके बाद भोजन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पहले किसान, उसके बाद बीज, बीज के बाद आपका फोर्थ नंबर खेती, उसके बाद भोजन, तो ये राइट आंसर होगा। आप किसी को भी मिला के देख लो, खेती होती है पहले फिर बीज, नहीं ये नहीं है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। थर्ड आ गया भोजन, भोजन के बाद किसान, ठीक है, पहले तो किसान आएगा, तो इस तरीके से आपको करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप। ओके, देखिए ये लास्ट से भी क्रम में बन सकता है, कि मान के चलिए लास्ट से ये क्रम में बनता हो या फर्स्ट से बनता हो, तो हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो अब बताने आपको कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि ऑप्शन आपके सारे अलग अलग हैं क्या, बिल्कुल सारे अलग अलग हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले महाद्वीप भी आ सकता है आपका, सबसे बड़ी चीज़, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, या सबसे छोटी चीज़, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। ओके, तो देखते हैं,
यदि महाद्वीप आ रहा होगा, अब हम देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, महाद्वीप है, सबसे छोटी चीज क्या है, ग्राम है। ओके, तो आप बता सकते हो कि महाद्वीप के अंदर क्या होता है? फोर्थ नंबर ग्राम, बिल्कुल भी नहीं। महाद्वीप के अंदर क्या होगा? देश होगा, देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर जिला और जिला के अंदर ग्राम, इस प्रकार से बन रहा होगा। तो फर्स्ट नंबर ये भी गलत होगा, फर्स्ट तो आ ही नहीं सकता, या तो फोर्थ आ सकता है या फिफ्थ आ सकता है। फोर्थ और फिफ्थ दो दे रहे हैं हमें, इसके बाद आपको जस्ट ग्राम दिया, तो ये तो गलत होगा। तो हमारा कैसा जम रहा होगा? ग्राम, उसके बाद आपका जिला, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद देश, देश के बाद महाद्वीप, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये भी पैटर्न का आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून और क्षति, इसमें आप क्या कर सकते हो, किस प्रकार से हो सकता है, ये आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, मानसून आता है, उसके बाद तूफान, तूफान के बाद आपकी वर्षा होती है, फिर बाढ़ आती है, फिर क्षति पहुंचती है। आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा नहीं करना है आपको, सीधे ऑप्शन से देखो पहले क्या हो सकता है। फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ 3 बार आ रहा है, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि फोर्थ आपका पहली कंडीशन में आएगा। फिफ्थ आपका आ रहा है पहले, पहले क्षति हो जाती है क्या? हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग से चल रहा हो, तो ये भी हो सकता है। ओके, घटते क्रम में चल रहा हो या बढ़ते क्रम में, दोनों कंडीशन में चल सकता है। तो हम देखते हैं, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या बन सकती है आपकी। मानसून, मानसून आते हैं, उसके बाद आपकी जो है क्षति पहुंचती है, तो ऐसा नहीं है, मानसून आएंगे तभी तो वर्षा होगी, तभी बाढ़ आएगी। ओके, तो देखिए मानसून आया, उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद हो तूफान आता है, तूफान के बाद वर्षा, वर्षा के बाद बाढ़, और बाढ़ के बाद आपकी क्षति पहुंचती है। तो हम कह सकते हैं ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए पहले मानसून, उसके बाद आपकी, आपका बाढ़ हो गया, उसके बाद तूफान, तूफान के बाद, वन सेकेंड, ये वाला नहीं होगा जो मैंने बताया ना आपको। पहले क्या होता है, पहले आपका ये भी कंडीशन गलत हो गई। अब हम इससे मिलान करते हैं, सबसे पहले आपकी क्या आती है, सबसे पहले मानसून आता है, फिर तूफान आता है, तूफान के बाद आप क्या आता है, वर्षा होती है, फिर बाढ़ आती है, और फिर क्षति पहुंचती है, तो राइट आंसर ये होगा। तो इस तरीके से आपको जमाना होता है। अब देखिए निदान, चिकित्सक, इलाज, बीमार, स्वास्थ्य लाभ, तो इसका जमा के बताना है आपको क्या होगा। तो इजी है ये भी, तो बताइए क्या हो सकता है, आपको पॉज करना है और फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, मतलब फर्स्ट पहले आ सकता है, या थर्ड आ सकता है, या सेकंड आ सकता है, या फोर्थ आ सकता है, फिफ्थ नहीं आ सकता। तो देखते हैं हम फर्स्ट को लगा के देखते हैं, निदान पहले मिल जाता है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले बीमार होता है आदमी, बिल्कुल पहले बीमार होता है, उसके बाद सेकंड क्या है, चिकित्सक के पास जाता है। फर्स्ट निदान, निदान के बाद उसका इलाज होता है, इलाज के बाद वो स्वस्थ लाभ हो पाता है, ठीक है। ये आपको लग रहा है कि ये हो सकता है। ओके, अब हम और दूसरा मिला लेते हैं, क्या इससे ज़्यादा इफेक्टिव बन रहा हो। सेकंड देखते हैं, चिकित्सक के पास जाता है, बिल्कुल भी नहीं। पहले फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, इलाज होता है, ये भी नहीं होता, तो राइट आंसर आपका यही होगा। तो इस प्रकार से आपको जमाना होता है। ओके, अब ये थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, चयन लिखा होगा, देखते हैं। परीक्षा, परीक्षा बोल सकते हो आप, साक्षात्कार, चयन, विज्ञापन, नियुक्ति। ओके, नियुक्ति तो सबसे लास्ट वाली होगी, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले तो विज्ञापन निकलता है आपका। ओके, तो 14वें नंबर का आप पहले ही बता सकते हो कि पहले तो विज्ञापन निकलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे तीनों राइट हैं आपके, तो मतलब तीन में फर्स्ट दिया है, तो हो सकता है कि इनमें से कोई हो, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। फोर्थ नंबर पहले नहीं होगी, नियुक्ति डायरेक्ट नहीं होगी। ओके, तो आपको पता है कि नियुक्ति जो है वो कैसा है, नियुक्ति जो है आपका लास्ट में होने वाली है या फिर पहले हो सकती है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है पहले। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका विज्ञापन निकलता है, विज्ञापन के बाद साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार के बाद चयन, चयन के बाद आपका फोर्थ नंबर नियुक्ति, नियुक्ति के बाद परिवीक्षा या प्रमोशन होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा। तो देखिए नियुक्ति होती है, उसके बाद प्रमोशन होता है, तो आप कह सकते हो कि 14 नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। 14 नहीं है ये, नंबरिंग जो है अलग तरीके से की गई है इसकी, क्योंकि इसको छाटा गया किस प्रकार से, कि पहले आपके कुछ इजी रहे, कुछ डिफिकल्ट, कुछ हार्ड,
ठीक है, कुछ मॉडरेट कहना चाहिए, हार्ड डिफिकल्ट तो एक ही बात हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, द्विमासिक, तो इसमें बताना है आपको। अब ये आपको बताना है, मैंने इतने सारे बता दिया, अब आपको बताना है। अब हम देखते हैं मैथ्स। ओके, मैथ्स में हम नंबर सिस्टम देख रहे हैं, हमने बहुत से टाइप देख चुके हैं, अब ये आपके नेक्स्ट टाइप आ गए, तो वो कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। अब देखते हैं हम 900997। अब एक तरीका तो ये हो गया, आप इजीली 997 × 997 × 997 करो और फिर निकालो, ठीक है। या एक तरीका ये हो गया कि आप यूनिट डिजिट निकालो, तो यूनिट डिजिट सबकी सेम है, ठीक है। एक और तरीका क्या हो जाता है, यदि मैं बताऊं, दो संख्याओं का गुणा करोगे, लेकिन यहाँ पे बात तो वही होगी, तो आप एक काम करो, 997 को आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं 997 को 110-3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है कि घात 3, ठीक है। अब घात 3 आपको पता है, x - y पूरी की पावर 3 कितना होता है, x³ - y³ - 3xy, ठीक है, और x+x - y यही होता है। रख देते हैं, मान हम x आपका ये है, y ये है, जल्दी से करते हैं इसे, क्या होता है आपका, देखिए यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। x³ मतलब 1000 की पावर 3, तो क्या होगा, 1, 2, 3 जो है शून्य आपके कितने बार लगेंगे, 3 बार लगेंगे, ठीक है, यही होगा। अब y³ मतलब 3 की पावर 3, 2700 हो जाएगा आपका, -3xy, 3xy का मतलब 3 × 9, 9 का गुणा आप 9000 में करोगे 3। अब x - y, 1000 में से 3 जाएंगे आपके, कितने बचेंगे, 997 बचेंगे। ओके, अब इसका गुणा करना है आपको। अब देखते हैं, हम इसे यहीं रहने देते हैं और इनको हम जोड़ के और इससे माइनस कर देंगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि आप इजीली करना है आपको, एग्जाम में कैसी अप्रोच होनी चाहिए मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, 9 का गुणा करते हैं यहाँ पे इसमें, तो आपके 300 ना जाएंगे, उसके बाद आप, ओके 300 ना गए, तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट में आपका जोड़ना ही है इनको, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा आपका, 27 0। आई होप आपको समझ में आया होगा, 3 0 आएंगे लास्ट में, ये हमें पता है, कंफर्म है। इसके बाद कोई डिजिट आ रही होगी, 27 जोड़ोगे तो 27 तो यहीं आएगा ना, तो 1 0 और एक्स्ट्रा है तो हमने यहाँ लगा दिए। अब इनका गुणा करके हम यहाँ लिखते चलते हैं, 9 7 63, 63 की आपकी 3, हाँ सलाई 6 हो गया, 9 9 81, 81 और 6 आपके 87 हो जाएंगे, तो 7 उतार लिए हमने, हाँ सलाई में 8 हो गया आपका, 9 9 81, 8 और 1 9, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सीधे आप 98, सॉरी 9 9 81, हाँ 89 होगा आपका, है ना, 89 होगा, 89। अब माइनस कर देते हैं, अब देखिए एक कैरी करेंगे हम यहाँ पे, 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे आपके, कितने बचेंगे, 10 में से 7 जाके आपके 3 बच रहे होंगे, यहाँ 9 9 में से 2 जाएंगे 7, 73 कहाँ कहाँ आ रहा है, 73 सिर्फ एक जगह आ रहा है, राइट आंसर आपका ये होगा, आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। ओके, लेकिन एक बार क्लैरिफाई करने के लिए कि सही किए क्या नहीं हमने, वो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 9 आ रहा होगा आपका, बिल्कुल 9 आ रहा है, यहाँ पे आपका 9 में से 3 जाएंगे, 6 बच रहा है, यहाँ पे भी 6 बच रहा है, यहाँ पे 9 में से 7 जा रहे हैं, 2 बच रहा है, बिल्कुल 9 में से 9 जाएंगे 0, 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे 1 9 और 1 9 और आएगा। अब देखिए दोनों यहाँ तो हमने ऐसा किया, देखिए इसके साथ ये माइनस हुआ है, इसके साथ ये हुआ है, इसके साथ ये, 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 बचे 2 ना फिर लास्ट में, इसलिए 2 9 आए हैं। ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट। मान लीजिए m और n दो ऐसे पूर्णांक हैं कि m की पावर n इज इक्वल टू 25 है, तो n की पावर m का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम सिंपली देखते हैं आपको क्या दिया है, m की पावर n आपका 25 दिया है, आपको पॉज करके खुद करने की कोशिश करना है, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर देख लेना है, और नहीं बनता है अप्रोच भी देख लेनी है, क्या मैं कोई दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, कोई जल्दी तरीका है। ओके, तो आपको खुद करना है तभी आप अच्छे से कर पाओगे, ऐसा देखने से कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं m की पावर n, अब देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, 25 को तोड़ेंगे पावर में तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, 5 की पावर 2 ही लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका m इज इक्वल टू आपका 5 होगा और n इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 2 होगा, यही बोल सकते हैं। अब देखिए हमें क्या बताना है, n की पावर m,
एन कितना है हमारा, 2 है। की पावर एम मतलब 5, 2 की पावर 5 मतलब आपका कितना होता है 32। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 + 3√3, 4 + 3√3 अपॉन 7 + 4√3 गुणा करने। अब देखिए कोई और ऑप्शन है आपके पास करने का, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप हर का परिमेयकरण कर दो, रैशनलाइज कर दो, मतलब 7 ऋण 4, कल भी हमने किया था इस टाइप के क्वेश्चन, -4√3 ये कर दो आप, तो क्या होगा, हमने माइनस इसका बदल के चिन्ह और ऊपर नीचे गुणा कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखोगे कि ये कैंसिल हो रहा है आपका, क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके तो हमने ये किया भी तो कैसा किया कि इन दोनों को काटेंगे फिर वही आ गए हम, तो इसलिए। ओके अब देखिए 4 4 इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ओके और इन दोनों का गुणा होगा तो आप देख रहे हो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो कर देते हैं हम इनको लगा देते हैं, 7 का वर्ग मतलब 49 माइनस 4√3 का वर्ग, 4 का वर्ग फिर √3 का वर्ग अलग से होगा, तो 4 × 16 और 3 का वर्ग 3, 16 × 3 = 48। ओके ऊपर क्या बच रहा है आपका, गुणा कर देते हैं 4 का इसमें फिर 4 का इसमें, तो आपको भी जल्दी करना है, इस तरीके से ही करना है आपको, ठीक है, यदि टाइम लगता है तो आप एक एक करके कर सकते हो, तो 7 × 28 फिर माइनस 4 × 16 √3 फिर आपका प्लस, इसका गुणा करेंगे दोनों में तो 3 7 3 21 √3 माइनस 3 × 12 और 3 12 3 36। कैसे इसको देखिए, 3 का गुणा 3 में होगा, √3 का गुणा √3 में 3 आ जाएगा, 4 3 12 12 3 36, इसलिए ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। 49 में से 48 जाएंगे, आपका 1 बच रहा होगा। ऊपर देखते हैं क्या क्या बच रहा है, तो ऊपर हम 21 में से आप 28 में से 36 माइनस में आएगा आंसर, इसलिए माइनस को हम बीच में रख देते हैं। 21 में से हम 16 घटाएंगे तो 21√3 - 16√3 कितना आएगा आपका 5√3, तो 5√3 को हम ऐसा लिख देते हैं माइनस, 36 में से 28 जाएंगे आपके कितने बचेंगे 8 बचेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 5√3 - 8। तो ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को आपको। नेक्स्ट देखते हैं 256 की घात 0.16, 256 की पावर 0.09, इसका मतलब एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन जब होती है तो आपको याद रखना है एक्स की पावर एम प्लस एन होती है। एक और फॉर्मूला है एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर एम माइनस एन, जब बेस आपको सेम दिखे तभी आपको ऐसा करना है। ओके अब एक और होता है एक्स की पावर एम पूरे की घात एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एम इंटू एन। ओके इसका मतलब हम यहाँ पे आपको किस टाइप से दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है आपको फर्स्ट वाले तरीके से, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 256 की पावर हम क्या लिख देंगे 0.16 प्लस 0.09, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 256 की पावर कितनी हो गई आपकी 9 और 6 आपके 15, 9 और 6 15 हो गए, और हौसला ये एक और एक 2.0, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को आप बनाओगे तो 1/4 लिख सकते हो। कैसे देखिए 0.25 है, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो बटे में हम क्या लिख देते हैं 00 लगा देते हैं, 25 एकम 25 25 100, तो 1/4 लिख दिया हमने। अब आपको पता होगा 16 की पावर 256 होता है, लेकिन हमें क्या करना है, ये इस √4 1/4 को हमें कैंसिल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आप लिख सकते हो 16 की घात 2 है ये, ओके की पावर 1/4, आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो ऐसा या फिर आप सीधे 4 की घात 4 लिख दो तो 256 होता है यदि याद होगा तो आप लिख दोगे, नहीं तो ऐसा करोगे। तो मैंने क्या बताया था, x की पावर m इंटू पूरे की पावर n क्या होता है x m इंटू n, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ गुणा होगा तो 2 × 2 = 4 लिख दोगे आप, मतलब क्या हुआ 16 की पावर आपकी फिर क्या बन गई 1/2, इसे क्या लिख सकते हो आप 4 की पावर 2 पूरे की पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब राइट आंसर आपका 4 होगा, तो आपको इस तरीके से करना है। ओके अब देखते हैं हम नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अप्रोच भी पता होनी चाहिए इस टाइप की
कि कैसे करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी विधि है, भाग विधि है। आपको एक एक आध क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपका, तो आपको सिंपली क्या करना है, सीधे ऑप्शन में देखना है आपको क्या कहा गया है। मैक्सिमम मिनिमम बोलता है तो मिनिमम देखते हैं, मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम क्या है अभी 40 है, 40 से भाग करके देखते हैं, यदि ये चला गया तो राइट आंसर तो यही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई संख्या ही नहीं दिख रही है। तो 0 से 0, 4 5 20, ये भी कैंसिल हो गया पूरा पूरा, 4 1 0 से 0, 4 8 32, तो ये भी हो गया, तो राइट आंसर आपका यही होगा। ओके, मान के चलते यहाँ पे 50 दिया रहता, ठीक है, सी और कर देता, मैं यहाँ पे 50 होता, ओके, तो क्या 50 इससे जाता, इससे तो चला जाता, इससे नहीं जाता, तो ये राइट आंसर नहीं होता आपका। ओके, तो इस प्रकार से देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 4 की घात 41, 4 की घात 62, 4 की घात 63, कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो यदि आप देखो यहाँ पे कि सब की पावर 400, 4 की घात 61 है, मतलब आप कैसे लिख सकते हो, 4 की घात 61 है, इसे मैंने जो बताया ना आपको इस तरीके से ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, घात उनटू में होती है तो हम घात को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 4 की घात 61 है, क्या आप इसे 4 की घात 61 इंटू 4 लिख सकते हो, इसका मतलब घात एक दोनों इंटू में है, जोड़ेंगे तो फिर 62 आ जाएगी। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 61 इंटू 4 की पावर 2, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हम 4 की पावर 61 को कॉमन निकाल लेते हैं, निम्न में से किससे विभाज्य है हमें ये बताना है, ठीक है, तो देखते हैं, अब 4 की पावर 61 कॉमन निकल गया आपका, बचा कितना यहाँ पे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचा है, यहाँ पे 4 की घात 2 बची, मतलब 16 लिख दोगे आप, 16 4 20 और 1 31, ठीक है, 16 4 20 और 1 31 यहीं आएगा आपका, 4 को 16, ये 4 है, ये और ये 1 है, तो 4 की पावर 61 इंटू आपने क्या लिख दिया, 31 लिख दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 है 2 निकाल लिए, हाँ ठीक है, ये तो देखते हैं किससे भाग जाएगा आपको ये बताना है यहाँ पे, तो 11 और 1 और 1 2 होगा, सॉरी 20 आएगा, 21 आएगा, है ना, 16 4 20 और 1 21, तो 21 किससे डिवाइड है आपको सिंपली ये देखना है, 3 से है, बिल्कुल 3 से डिवाइड है पूरा पूरा, और ये इनटू में है, तो देखिए 21 गुणा, आप मान के चलिए 6, मैंने बोला आपको कि 12 किससे डिवाइड है, ओके 12 किससे डिवाइड है, तो आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 3 लिख सकते हो इसे, तो यदि मैं बटे 3 करूँगा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर 4 आ जाएगा। तो वैसे ये भी लिखा है इनटू में लिखा, तो हम बोल सकते हैं 3 7 21, 7 से पूरा पूरा डिवाइड है, 7 से 7 भी होता 7 से भी जाता, और 3 से भी, तो राइट आंसर सिर्फ आपका 3 होगा, 7 होता तो 7 भी हो सकता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है आपको बताना है। तो देखिए ये नियम होते हैं डिविजिबिलिटी के, जो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड है, तो जो हमारा लास्ट में इकाई का अंक आ रहा होगा, किसी अंक का इकाई का अंक आ रहा होगा, तो वो जो है इवन नंबर होना चाहिए, 0 है 0 है तो भी जाएगा, 2 है 4 है 6 है तो भी जाएगा। ओके, तो आपको पता चल गया कि यूनिट डिजिट में क्या रहेगा जब 2 से डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड हो सकती कोई चीज, कोई संख्या 3 से तब डिवाइड होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब यदि मैं बात करूं 12 2 1 3, 3 आ गया तो 3 से डिवाइड होगा, और थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, 5 4 3, ओके 2 1, देखते हैं अब इसे, 5 4 9, 9 और 3 आपके 12, 12 और 2 आपके 14 और 1 15, 15 हो गया, तो 15 किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। ओके, अब 4 का किससे डिवाइड होता है, यदि लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, मान के चलते हैं कोई संख्या है 5 4 3 2, अब आपको बताना है ये 4 से डिवाइड है क्या नहीं, तो आपको लास्ट के 2 अंक देखना है कि ये 4 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, कितनी ही लंबी संख्या हो, मैं कहूँ आपको 8 9 3 4 2 1 6 4 है, 4 से डिवाइड है क्या नहीं देखने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक देखो 4 से डिवाइड है क्या नहीं, 4 एकम 4 बचे 2 हो गए 24, 4 6 24, मतलब 4 से पूरी पूरी डिवाइड है, 2 से भी पूरी पूरी डिवाइड है। ओके, अब
चार से पता चल गया, पाँच से कैसा डिवाइड होगा, यदि यूनिट डिजिट में जीरो या पाँच हो तो पाँच से पूरा पूरा डिवाइड होगा। छः से कैसे डिवाइड होगा, यदि दो और तीन दोनों से डिवाइड है तो वो छः से डिवाइड होगा। दो से देखने के लिए चार देख लो और तीन से देखने के लिए सबका योग कर लो। ओके, अब सात से डिवाइड है तो सात से आप इजीली कर सकते हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया ये रूल, इसलिए आप सीधे देख सकते हो सात का, और सात का बहुत कम भी पूछता है। आठ का, आठ के लिए लास्ट की तीन अंक जो है आठ से डिवाइड होने चाहिए, जैसे दो से डिवाइड होने के लिए फर्स्ट का यूनिट डिजिट, चार से डिवाइड होने के लिए दो डिजिट देखते हैं, और आठ से डिवाइड हो जाता है यदि पूरी पूरी संख्या तो तीन डिजिट देखा जाता है। ओके, अब नौ से डिवाइड होने के लिए आपको ये देखना है कि पूरे अंकों का योग करोगे तो नौ से डिवाइड होना चाहिए, जैसे तीन में देखते हैं हम तीन से डिवाइड होना चाहिए था, वैसे ही अंकों का योग नौ से डिवाइड होना चाहिए, जैसे पाँच चार हो गया आपका, नौ हो गया। ओके, चार ये संख्या नौ से डिवाइड है क्या नहीं, ये देखने के लिए हम योग करते हैं, पाँच चार नौ, नौ और नौ अठारह, अठारह नौ को छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चार तीन सात और दो नौ, नौ नौ दूनी अठारह, नौ तीन सत्ताईस, मतलब सत्ताईस नौ से डिवाइड है बिल्कुल, तो ये संख्या भी नौ से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार से देखना है, ग्यारह किससे डिवाइड होता है, ग्यारह कैसे देखोगे, तो ग्यारह के लिए आपको ये देखना होता है कि अल्टरनेटिव नंबर, मतलब ये और ये इनका योग, यदि इनका योग हम करें और वो किसके साथ घटा दें, इसके साथ, तो आपका क्या होना चाहिए, वो 11 से डिवाइड होना चाहिए या जीरो आ जाए, तो आपका जीरो आ गया। एक और देखते हैं, ये संख्या तीन और एक चार, तीन और एक चार, तो चार में से चार जाएंगे जीरो, मतलब ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड है आपकी, तो इस प्रकार से देखना होता है। ओके, अब देखते हैं जो मैंने बताया आपको उसी तरीके से करना है इसे, तो देखते हैं हम इसे। नौ से डिवाइड होने के लिए मैंने क्या बताया था कि सारी अंकों का योग आपका नौ से डिवाइड होना चाहिए, योग करें हम तो पाँच चार नौ। ओके, नौ और तीन नौ आ गया ना, तो बिल्कुल छोड़ दिया करो उसे, उसे फिर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तीन दो पाँच, पाँच और सात आपके कितने हो गए, बारह, बारह क्या आना चाहिए इस, यहाँ पे अठारह होता है तो छः आना चाहिए, तभी हो सकता है डिवाइड, तो छः आएगा। ओके, और यदि आप जोड़ के करोगे नौ सही तो भी आएगा अंक आपका आंसर नौ, पाँच चार नौ, नौ और तीन आपके बारह, बारह और दो आपके चौदह, ठीक है, चौदह और सात इक्कीस, इक्कीस आ गया। अब क्या हो यहाँ पे, तभी भाग जाए तो छः जोड़ दोगे तभी सत्ताईस आ रहा है, नहीं तो किसी से नहीं जाएगा, अठारह के बाद सत्ताईस ही आता है, तो छः जोड़ने पर ही आएगा, आप जिस तरीके से करो आंसर आपका वहीं आना है। ओके, अब ग्यारह से डिवाइड होने के लिए मैंने क्या बताया था कि इनको जोड़ेंगे हम और इनसे माइनस कर देंगे इनको जोड़ के, तो जो भी संख्या है वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए या जीरो आना चाहिए। ओके, देखते हैं, सात और आठ आपके पंद्रह हो जाएंगे, पंद्रह और छः इक्कीस, तीन धन ए टू ए धन तीन होगा, टू ए प्लस थ्री, इक्कीस से माइनस कर देंगे, इक्कीस माइनस थ्री कितना होगा आपका, इक्कीस माइनस थ्री तीन जाएंगे तो अठारह बचेगा। अब अठारह, ठीक है, ग्यारह से डिवाइड होने के लिए कितने अंक चाहिए इसको, चार चाहिए, अठारह चार बाईस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा राइट, तो यहाँ पे टू ए लिखा है तो ए कितना होना चाहिए, ए आपका दो होना चाहिए सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो रखे हम, चार तीन सात, सात और सात और आठ कितने, नहीं ऐसा नहीं होगा, देख लेते हैं हम, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे होंगे, सात और आठ आपके पंद्रह, पंद्रह और छः कितने होते हैं, इक्कीस होते हैं, इक्कीस में यदि आप एक जोड़ोगे तो कितना आ रहा होगा, इक्कीस में इक्कीस आ गया आपका, ठीक है, इक्कीस आ गया। अब आपको भी देखना है कि इनका योग कितना हो रहा है, तीन धने धने मतलब टू ए प्लस थ्री बोलोगे, टू ए प्लस थ्री तो इक्कीस, अठारह से आपका जो है इक्कीस से यदि हम माइनस टू ए प्लस थ्री करते हैं तो ये भाग जाना चाहिए। ओके, माइनस करना है हमें तो माइनस करना है तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ठीक है, तो 21 में से तीन माइनस जा रहे हैं तो आपका कितना बच रहा है, 18 बचेगा। अब 18 में से आप क्या माइनस करो कि आपका जो है संख्या 11 से डिवाइड हो, तो देखिए 18 हम पास में क्या है आपका, माइनस कर रहे हैं, बढ़ाते तो आपका 22 होता, माइनस कर रहे हैं मतलब 11 ही हो सकता है जो 11 से डिवाइड हो, तो क्या रखें यहाँ पे कि 11 आ जाए यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं हम क्या रख सकते हैं, तो यदि आप दो एकम दो रखते हो, ठीक है, तो दो एकम दो भी नहीं जा रहा है,
18 में से आपके दो जाएंगे, कितने बचेंगे? 18 में से दो जाएंगे तो 16, जो कि 11 से डिवाइड नहीं है आपका, 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 18 से 12 आ रहा है, जो कि नहीं है डिवाइड। ओके, मैंने आपको एक बात बताई है कि क्या होना चाहिए, जब हम 21 माइनस 2a माइनस 3 कर रहे हैं, इसका मतलब या तो 11 से डिवाइड हो या 0 आ रहा हो, तो आप 0 लेके भी कर सकते हो। तो देखिए, हम यहाँ पे आप कुछ भी घटा दो, 11 आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दुगना हो जाएगा उसका, और यहाँ पे कोई ना कोई आपका ऑड नंबर होना था, ऑड नंबर होता तभी इससे ऑड आता, 11 आता। तो हम कह सकते हैं इसको पूरा पूरा माइनस कर दें हम तो राइट आंसर होगा। तो क्या हम यहाँ पे 9 रख दें, तो 9 दूनी 18 0 आ जाएगा, तो आप 9 9 रख दोगे तो आंसर आपका सही आ रहा होगा। ओके, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।